अब फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दो लिए हैं, जैसे 36 और 90 है। इसके लिए आपने सबसे पहले इसके करेंगे, इसको 36 है, इसकी प्राइम ट्री बनाएंगे, ठीक है, और 90 इधर लिख देते हैं, और इसका भी प्राइम ट्री बनाएंगे। अब आप प्राइम ट्री का मतलब ये होता है कि वो नंबर हैं जो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स है वो आप लिखेंगे ना। जैसे 36 है, वैसे मैं पता है 6 टाइम्स 6 इज़ 36 होता है, ठीक है, 6 इज़ नॉट प्राइम नंबर, नहीं है, तो फिर इसको अगेन इसकी ब्रांचेस बना लेंगे, ठीक है। और अब देखना 6 किस में जाता है, जैसे 2 टाइम्स 3 इज़ 6 होता है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इसी तरह आपने 6 के फिर बनाएंगे 2 एंड 3, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं। अब हमने 90 का चेक करेंगे, तो बहुत ईजी, जैसे आप लिख सकते हैं 10 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 90 होता है, ठीक है। अब 10 प्राइम नंबर नहीं है तो इसके फिर से ब्रांचेस बना लेंगे, तो वो 2 हो जाएगा 2 एंड 5 आ जाएगा, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अब 9 का बनाएंगे तो वो होता है 3 एंड 3 3 टाइम्स 3 इज़ 9 हो जाता है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब आपने ऐसे करना है कि 36 लिखेंगे इक्वल्स टू जो उसके आपने सर्कल किया हुआ नंबर है, जस्ट वही लिखने हैं, और अरेंज में लिखेंगे ज़्यादा बेस्ट है, 2 दो दफ़ा था इसलिए 2 बार लिख दिया, और 3 भी 2 बार है इस तरह, और मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर लगाना है। अब 90 को नीचे लिखेंगे और इसके हमारे पास क्या आता है, 2 टाइम्स बाय 3 2 बार है, 2 बार लिख दिया, टाइम्स बाय 5, सही। अब उसके बाद अपने इसके पेयर बनाने हैं, पेयर का मतलब ये कि जो नंबर यहाँ वो चेक करेंगे, अगर इधर है तो वो उसको हम सर्कल करेंगे, जैसे ये 2 है और ये भी 2 है, इसको मैंने एक सर्कल में लगा दिया। अब ये 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसलिए इसको लीव कर देंगे। अब ये 3 है और ये भी 3 है, इसको मैं एक सर्कल में बना लूँगी। इसी तरह ये 3 और ये भी 3 है, इसको भी एक सर्कल में हम बना लेंगे, 5 का कोई पेयर नहीं है, इसको रहने देंगे। अब आप लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू, ये जो पेयर्स में लिखे थे ना, आप जस्ट जो पेयर बने हुए लूप में है वो नंबर लिखेंगे, 2 है 2 बार लेकिन आपने एक दफ़ा लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो भी आपके पास है, इसको भी लिख देंगे, टाइम्स बाय दूसरा 3 भी लिख देंगे, बस आप इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स 3 इज़ कितना आता है, 6, और 6 टाइम्स 3 इज़ यानी कि 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड देन 6 टाइम्स 3 इज़ 18, तो आंसर आपका आ जाएगा 18।